ना रास खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, हर मुश्किल को झेल जाएंगे, आग हो या पानी खेल। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, ये जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, बेसिकली इंग्लिश लॉ से डिराइव किया गया था। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये बात भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ होते हैं दो तरीके के, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है जजमेंट्स गिवन बाय द कोर्ट एंड रिकॉग्निशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। अभी डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड इज ईदर अ जजमेंट ऑफ अ कोर्ट और रिकॉग्निशंस। जजमेंट्स गिवन बाय द कोर्ट और रिकॉग्निशंस क्या होते हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक केस स्टडी थी मिस्टर एंड मिसेस वॉलफोर करके। उस केस स्टडी में हुआ ये कि जो मिस्टर वॉलफोर थे, उन्हें अपना घर छोड़कर किसी और शहर में जाना पड़ा काम करने, और जो मिसेस वॉलफोर थी वो घर पे रहती थी। उन दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ कि जो मिस्टर वॉलफोर है वो बाहर जाकर एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ अपनी वाइफ को भेजेंगे, जो अपने वो डोमेस्टिक खर्चे के लिए यूज करेंगे। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मिस्टर वॉलफोर चले गए। मिस्टर वॉलफोर ने कुछ महीने के लिए अमाउंट भेजा, बट बाद में उन्होंने ये अमाउंट भेजने से मना कर दिया। मिसेस वॉलफोर भाई अपने गुस्से वाली थी, वो चली गई कोर्ट और उन्होंने अपने पति के खिलाफ कर दिया केस फाइल। तो जब उस केस की डेट आई तो जज साहब ने मिसेस वॉलफोर से पूछा कि भाई आपने किस वजह से केस फाइल किया है। तो मिसेस वॉलफोर ने ये पूरी कहानी बताई। तो फिर जज ने कोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट ये था कि जितने भी डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे वॉइड। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पहले वीडियो में एक चीज डिस्कस की थी कि जितने भी सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइड एक्सेप्ट द कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो यहां पर हुआ क्या कि कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया और वो जजमेंट क्या था कि डोमेस्टिक नेचर के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होते। तो ये जो जजमेंट्स पास किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, ये जजमेंट्स होते हैं डिसाइडेड केस लॉस। ये जो केस लॉस होते हैं उनके डिसीजन पहले से ही डिसाइड करके रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट आप कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। क्लियर हो गया ना कि जजमेंट क्या होता है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। ए जजमेंट इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय द कोर्ट अपॉन वन और मोर पर्संस इन फेवर ऑफ अनदर और अदर्स। तो कोर्ट के द्वारा जितनी भी जजमेंट पास की जाती हैं, ये जजमेंट्स अगेंस्ट वन और मोर पर्संस होती हैं और ये किसी न किसी के फेवर में भी होती हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस सिंस इट इज नॉट बेस्ड अपॉन एनी एग्रीमेंट। ये जितनी भी जजमेंट्स होते हैं ये रियल सेंस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं रिकॉग्निशंस की। सो रिकॉग्निशंस इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट ड्यू टू स्टेट। इट इज अ बॉन्ड बाय विच अ पर्सन अंडरटेक्स टू ऑब्जर्व सम कंडीशंस पोस्ट बाय द कोर्ट। तो एक रिकॉग्निशंस रिटन एक्नॉलेजमेंट होती है जो किसी एक पर्सन पर अप्लाई की जाती है। डेट का मतलब यहाँ पर कंडीशन से है और स्टेट का मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। ये जो रिकॉग्निशंस होता है ये एक तरीके से बॉन्ड की तरह काम करता है जिसकी वजह से एक पर्सन कोर्ट के द्वारा इम्पोस्ट की गई कंडीशंस को मानता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपने सुना होगा कोर्ट डिसीजन देता है टू बी अपियर्ड ऑन समन्स। समन्स का मतलब होता है जब कोर्ट एक तारीख दे देता है और उस तारीख पर उस डेट पर सामने वाले पर्सन को प्रेजेंट होना पड़ता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं समन्स। तो यहाँ पर हुआ क्या कि कोर्ट ने एक रिटन एक्नॉलेजमेंट दे दिया। रिटन एक्नॉलेजमेंट किस बात का कि इन इन डेट को आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है या फिर कहीं और पर प्रेजेंट होना है, और इस बॉन्ड इस रिलेशन को जो पर्सन होता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो भी करता है। अब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बारी आती है हमारे दूसरे टाइप की, विच इज कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील मस्ट बी इन राइटिंग साइंड सील्ड एंड डिलीवर्ड बाय द पार्टीज। इट इज ऑल्सो अ डील और स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट।
तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट अंदर सील होते हैं वो राइटिंग में होते हैं, दोनों पार्टीज के उस पर साइन होते हैं, सील लगी हुई होती है और दोनों पार्टीज एक दूसरे को वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डिलीवर भी करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डील, ये एक तरीके की डील भी बोली जाती है और स्पेशलिटी कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। अब इसके बाद आते हैं हमारे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग बोलते हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर हो गया ना? अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश लॉ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे दो टाइप के, फॉर्मल एंड सिंपल। फॉर्मल के अंदर हमारे दो टाइप्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है जजमेंट्स गिवन बाय द कोर्ट एंड रिकॉग्निशंस। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर हो जाता है खत्म, विच इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, तो चलो मैं उनको भी शॉर्टली डिस्कस कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफर दिया, क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे? तो ए यहाँ पर बन गया सेलर ऑफ द कार और बी यहाँ पर बन गया बायर ऑफ द कार। बी ने वो ऑफर कर लिया एक्सेप्ट, और ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद 5 लाख रुपए दे दिए ए को। लेकिन जब बी कार लेने के लिए पहुंचा तो ए ने कार देने से कर दिया मना। ए ने कार देने से मना किया और जो उसके 5 लाख रुपए लिए थे वो भी देने से मना कर दिया। अब एक बात आप लोग खुद बताओ कि बी के पास अभी कौन सा राइट अवेलेबल है? क्या बी ए को मार कूट कर उससे रुपए छीन कर ले जाए, या फिर बी लड़ाई वगैरह कर ए से उसकी कार छीन कर ले जाए? सोचे, वीडियो पॉज करो और इसके बाद आंसर बताओ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर राइट अगेंस्ट पर्सन तो अवेलेबल है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। तो यहां से क्या पता चला कि बी ए के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, लेकिन ए की मार कुटाई करके उससे वो पैसे या उससे वो कार छीन कर नहीं ले जा सकता। राइट अगेंस्ट पर्सन का मतलब कि उसके खिलाफ वो सूट फाइल कर सकता है, उसके खिलाफ वो केस फाइल कर सकता है, लेकिन उससे फिजिकली लड़कर वो पैसे या फिर वो कार वापस नहीं ले जा सकता। राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये जो हमारा राइट अगेंस्ट पर्सन है इसको हम लोग बोलते हैं जस इन पर्सोनम, और ये जो हमारा राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं जस इन रेम। तो एक क्वेश्चन ये भी बनकर आ सकता है कि जस इन पर्सोनम कब अवेलेबल होता है और जस इन पर्सोनम क्या होता है? तो जस इन पर्सोनम होता है राइट अगेंस्ट पर्सन और जस इन रेम होता है राइट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जस इन रेम एंड जस इन पर्सोनम होते हैं हमारे दो लैटिन वर्ड्स। क्लियर है ना? चलो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, विच इज टाइम बार्ड डेब्ट। सो टाइम बार्ड डेब्ट, इफ क्रेडिटर डज नॉट फाइल अ सूट टू रिकवर हिज मनी विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन, देन दिस डेब्ट बिकम्स अ टाइम बार्ड डेब्ट। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ऐसी क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई को 10 लाख रुपए दिए 5 साल के लिए। तो एक्स ने जब पैसे दिए तो एक्स तो बन गया क्रेडिटर, और वाई ने पैसे लिए तो वाई बन गया उसका डेटर। सपोज एक्स ने जो वाई को पैसे दिए थे 10 लाख 5 साल के लिए, वो दिए थे 1 जनवरी 2010, तो ये हो जाएगी डेट ऑफ लोन। पैसे देने के बाद एक्स चला गया भैया अमेरिका। अरे एक्स ने वहां पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो एक्स इंडिया छोड़कर अमेरिका में रहने लगा जाकर, ठीक है। तो अगर यहां से हम लोग 5 साल कैलकुलेट करेंगे तो 5 साल के लिए 2010, 2011, 2012, 2013 एंड 2014 के एंड पे, दैट इज 31st दिसंबर 2014 को उसकी हो जाएगी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। यानी इस डेट को वाई को पैसे देने थे एक्स को, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक्स भी भैया इंडिया में था नहीं, अमेरिका में था, उसको ध्यान भी नहीं था इस पेमेंट के बारे में। तो इस डेट के बाद अगर एक्स 3 साल तक कोई भी केस फाइल नहीं करता है तो ये जो डेब्ट है ये बन जाएगा टाइम बार डेब्ट, ठीक है ना? तो अगर 31st दिसंबर 2014 से हम लोग 3 साल कैलकुलेट करेंगे तो 2014 तो गया पूरा, 2015, 2016 एंड 2017 की एंडिंग, दैट इज 31st दिसंबर 2017, यहां तक हो जाएंगे इसके 3 साल टाइम पीरियड अप टू विच वन कैन फाइल सूट इन द कोर्ट। तो ये एक ड्यूरेशन होती है कि इस टाइम पीरियड तक एक बंदा कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, ठीक है। तो ये टाइम गुजरने के बाद 31st दिसंबर 2020 एक्स भाई अपने वापस आ जाते हैं इंडिया में,
उन्हें होश आता है, यार मैंने तो भाई को 10 लाख रुपए दिए थे 5 साल के लिए, अब तो 10 साल हो गई, चलो भाई मेरा पैसा वापस दे देगा। एक्स गया वाई के पास खुशी खुशी बोलने कि यार मेरे पैसे वापस कर दो मुझे। वाई बोला, मिस्टर एक्स कौन, मैं नहीं जानता किसी मिस्टर एक्स को, भगा दिया उसने वहां से। मिस्टर एक्स बेचारे क्या करेंगे, कोर्ट गए, कोर्ट में उन्होंने पूरी कहानी बताई और कोर्ट ने उनका केस लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो डेप्ट था वो तो बन गया भैया टाइम बार डेप्ट, आपने ड्यू डेट से 3 साल तक कोई भी केस फाइल नहीं किया, ना ही कोई आपने उससे पैसा मांगा, इसलिए ये जो आपका कर्ज था, ये जो आपका डेट था, वो बन चुका है टाइम बार डेप्ट और इसे आप रिकवर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया ना? तो अब फाइनली हमारा चैप्टर खत्म हुआ है फर्स्ट, दैट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा चैप्टर, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइज, इफ यू डोंट सब्सक्राइब आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन। स्ट्रगल देख सब होकर ढेर में चीड़ा फाड़ा जैसे बब्बर शेर, तेज सफेद कभी ना कभी